कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल एआई आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातारनीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं रुद्रघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आज 17 जून का है, संभाषण बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर सभी को मैं को होस्ट भी बना देता हूँ। तो हम लोग आज संभाषण शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शशि मैम को बुलाऊंगा। शशि मैम, आप कैसी हैं? आपने जो वगैरह दिया था पालक का जो नेटवर्क शशि तिवारी मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया मुझे होस्ट बनाइए। यहाँ नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। गुड इवनिंग सर, मैं बनाती हूँ, मैं खुद ही नहीं अनम्यूट हो पा रही थी। अभी मैं आपको 5G का इंटरनेट, हाँ, मैं 5G का इंटरनेट लेके आया। जी सर, एक मिनट। वाईफाई लिया 5G, ठीक है। तो शशि मैम, आपने जो बस्ती दिया था उसका क्या रिजल्ट है, थोड़ा बताइए ना हमें। सर आज मैंने उनको नीम वाटर का दिया था, तो आज तो उनको पहले तो अच्छे आए, तो आज वो बोल रहे थे नहीं, सिर्फ वाटर डिस्चार्ज हुआ था, मतलब कि कोई वैसा मोशन नहीं हुआ था जैसे कल उनको सेमी लिक्विड मोशंस हुए थे, आज उनको सिर्फ वाटर ही हुआ था। तो अभी कल वो जब आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी क्या कंडीशन है, फिर उसके बाद बताऊंगी मैं और भी चीजें। और नीम वाटर कैसे बनाती है वो तो बताइए विधि। सर नीम वाटर तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे नीम मैंने बताया ना अपने सेंटर पर लगाया हुआ है,
तो नीम की पत्तियां तोड़ते हैं, उसको धोते हैं, धोने के बाद में क्या करते हैं उसको भिगा देते हैं पूरी रात को, पूरी रात भिगा दिया पानी में, फिर सुबह एक उबाल मारा और उबाल करके फिर सिंपली उसको छान लेते हैं, उसको मसलते उसलते नहीं है, क्योंकि मसलेंगे तो फिर अंदर आ जाएगा फाइबर टाइप का, वो फिर एनिमा जाने में ठीक नहीं रहेगा। फिर उसको दे देते हैं, करीब 1 लीटर मैंने लिया था, हालांकि उनको कल भी 500 ml ही गया था और आज भी 500 ml ही गया। तो उसके बाद फिर वो एक तरीके से काढ़े वाली बस्ती हो जाती है, नीरू की तरह दे दिया, फिर अपना पेशेंट फ्रेश होकर के चले जाते हैं। तो वही डिवर्मिंग के लिए मैं नीम का ही हमेशा यूज करती हूँ सर। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और कौन सी व्याधि में दिया आपने? सर अभी तो उनको प्रोस्टेट है, पर क्या प्रॉब्लम है ना कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, तो मैं हमेशा मानकर चलती हूँ कि जो भी पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि मल जो है के जो सूक्ष्म अंश है वो चिपका रहता है हाथों में, जो रोज का मोशन होता है उसमें निकल तो पाता नहीं है, और जब पुराना मल चिपका रहेगा तो अंदर उसमें कीड़े बनेंगे, कृमि का उत्पत्ति होगी। तो ये चीज समझ करके जितने भी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उसमें मैं डिवर्मिंग के लिए यूज करती हूँ उसको। तो इसका कोई वैसा नहीं है, और हालांकि ये 2-3 जगह अच्छे से यूज की जा सकती है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छे से यूज की जा सकती है, जिनको पित्तज व्याधियां हैं क्योंकि नीम जो है पित्त शामक भी है, तो वहां पर भी यूज की जा सकती है, और कॉन्स्टिपेशन के तो जितने पेशेंट हो उन सभी को यूज की जा सकती है। जी ये है कि लगातार नहीं दी जाती, अगर इसको देना हो तो महीने भर में एक या दो दो, इससे ज्यादा नहीं दो। तो मैं नॉर्मली जब देती हूँ पेशेंट को एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार देती हूँ, मान लो 20-21 दिन की बस्ती चलनी है तो उसमें एक बार देते हैं, जैसे 1 वीक लगातार बस्ती देती हूँ मैं, मतलब एनिमा सॉरी, फिर उसके बाद अल्टरनेट डेज देती हूँ, फिर 2-3 डेज इस तरीके से गैप करके फिर वीकली इस तरीके से लाते हैं सर, क्योंकि उसमें होता है कि सस्टेन करने के लिए 21 डेज देना होता है, अलग अलग हिसाब का है कि डिसीज वाइज कितने दिन देना है, एक नॉर्मल हेल्थ मेंटेन करने के लिए कितने दिन देना है, तो ये सब चीजें चलती है सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। एक डॉक्टर परवीन कश्यप जी ने कुछ ग्रुप में ये फोटो भेजे हैं, तो उनका केस डिस्कशन करिए। परवीन जी, परवीन कश्यप जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो केस डिस्कस करिए। जी सर, जी सर, जी सर। ये सर 26 ईयर ओल्ड लेडीज हैं सर। जी, इनको सर ये 3 साल से है, एक बार इनका ठीक भी हो गया था पूरी तरह से, लेकिन दोबारा फिर ये उनको बन गए। कैसे, क्यों, क्या हुआ? दोबारा सर दही खाना शुरू कर दिया था बीच में। जी नहीं, तो क्यों, दही से हुआ है कि और भी कुछ हेतु है? चाय वगैरह भी पीते थे सर, वो चाय के साथ नहीं, ऐसे नहीं केवल चाय वगैरह पीते थे, फिर मैं पूछूंगा तो बोलेंगे दही वगैरह खाते थे, ऐसे नहीं, 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 नहीं होते। चाय, चाय के साथ नमकीन और दही, ये दो ही हेतु थे सर उनके लंबे। अच्छा, हाँ, आपने बंद करा दिया? जी जी, वो मतलब एक बार ठीक हो गई थी, दोबारा फिर आ गए थे सर। तो वो आपने सर क्या दवाइयां दी उनके लिए जब ठीक हो गई थी? तो सर मैंने उसमें एक तो महातिक्त घृत उनको 3-4 दिन पिलाकर विरेचन कराया था सर। जी, फिर उनको महातिक्त घृत कुछ दिन पीने के लिए भी दिया था। जी, और उनको गंधक रसायन दिया था सर, कैसोर गूगल दी थी। जी, और उसमें एक 2-3 कसाई दिए थे सर मैंने, उसमें पंचकोल कुल्थ्यादि कसाई था, बासा कुल्थ्यादि कसाई था। जी, एक पटोल कठरूनी दी थी सर। जी जी सर, ये ट्रीटमेंट उनको चलाया सर। अच्छा, तो शोधन वगैरह नहीं कराए थे? नहीं, शोधन सर उनका शरीर थोड़ा कमजोर है सर, पतला शरीर ज्यादा है। हाँ, शोधन के लिए वो मान नहीं रहे थे। अच्छा जी सर, तो सर इसमें अब ये प्रॉब्लम आई हुई है, पहले उनको थोड़ा सा मतलब दिक्कत इतनी खास नहीं थी, अब उनको थोड़ा इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया सर। ठीक है, क्लेद क्यों बन रहा है? क्लेद बनने का हेतु क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। जी सर, इसमें तो सिर्फ फ्रंट उंगलियों में ही है सर ये जो मैंने इसमें नलिनी मैम, कविता मैम आप थोड़ा ट्रीटमेंट बताइए, रमेश गौतम जी आप ट्रीटमेंट बताइए, इन्होंने ग्रुप में भेजा है, आप लोग के हिसाब से क्या देना चाहिए? डॉक्टर रमेश गौतम जी, नलिनी मैम, कविता मैम कुछ बताइए, आप लोग, हम लोग आपका भी सुनना चाहते हैं, क्या देना चाहिए? इन्होंने जो फोटो भेजा है उस हिसाब से बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सर, अभी मैं देख के सर फिर मैं बताता हूँ सर, मैं एक बार देख लेता हूँ सर, प्रणाम, देखिए और बताइए। हाँ, और कविता मैम, मंगला मैम बताइए, आप लोग क्या देना चाहिए? इन्होंने फोटो भेजा है ग्रुप में, कृपया देख के बताइए क्या देना चाहिए।
डॉक्टर चंद्रशेखर जी, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी कृपया बताइए, शशि मैम आप बताइए क्या देना चाहिए। मैं देखती हूँ, अभी मैंने देखा नहीं है। ठीक है आप देखिए। डॉक्टर माधुरी मैम क्या देना चाहिए कृपया बताइए। ग्रुप में फोटो देखिए, एक पेशेंट का भेजा इन्होंने। सर देखती हूँ मैं अभी, ज्वाइन कर देखती हूँ। ठीक है आप देख के बताइए, देखिए और सोच के बताइए। तब तक परवीन जी सिम्टम बताइए आप और डिटेल में। सर इनको खुजली वगैरह तो कम हो चुकी है, खुजली होती थी, अब खुजली वगैरह तो इनको नहीं होती। पहले जो मतलब ये थोड़े चकत्ते जो इनके हाथ खराब है वो रेडिश ज्यादा थे, लाल ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अब वो भी ठीक है। लेकिन अब कुछ दिन से इनको मतलब थोड़ा पानी सा निकलना शुरू हो गया उंगलियों में। हेलो आप लोगों ने देखा, आप बताइए माधुरी मैम क्या करना चाहिए, शशि मैम आप लोग बताइए। डिस्कस करने से नया नया दवाई आता है। सर ये फिंगर्स का क्या एलर्जिक है क्या, विचर्ची का है क्या, एक्जिमा टाइप चालू हुआ है। परवीन जी थोड़ा बताइए। जी मैम थोड़ा मतलब विचर्ची का ही है क्योंकि सूखा हुआ ज्यादा है मैम इसकी। अच्छा। मतलब अब हेलो जी हेलो जैसे सर, चालू क्या क्या है फिर आप? क्या मैम आपने दवाई क्या दिया, आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन अगर दिया क्या? हाँ जी मैम आरोग्यवर्धिनी सुबह खाली पेट दे रखी है मैम। अभी एक इनको क्यूटी सोरा वासु की आती है वो लग ऊपर लगाने के लिए दे रखी है, लेकिन उन्हें एक एलोपैथी की भी अप्लाई कर रखी है क्योंकि कई बार खुजली ज्यादा हो जाती थी पहले, एक एलोपैथी की ट्यूब इन्होंने अप्लाई की थी। सर आपने कितने दिन अभी दवाई दिया है? ओके अभी मैम बीच में इनका ठीक हो चुका था लेकिन ये 3-4 महीने बाद आए हैं, अभी 20-25 दिन से इनकी मेडिसिन चली हुई है। अच्छा जी मैम। फिर सर आपने पहले हेतु तो ये किए होगे ना बंद, विरेचन दीजिए ना आप पे, विरेचन दीजिए। एक बार मैम इनको अब दोबारा जब मेरे पास आए थे मैंने विरेचन दिया था तो इनका बीपी लो हो गया था मैम, इनको चक्कर आ गए विरेचन। नहीं यार रोज का था मृदु विरेचन, अभी पत्ती का चूर्ण वगैरह देते रहिए आप इनको, आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन रस रक्त पाचक ऐश्वर्य सारी बात महामंजिष्ठा काढ़ा है, सारी वाद्य असव भी आता है अच्छा सा, वो भी काम करता है। इनकी फिंगर देख के तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इनको साबुन से सर्फ से या फिर एलर्जी डर्मेटाइटिस से, जैसे सर्फ से है साबुन से पानी से कुछ ऐसा इनका कुछ काम होगा पानी में। वही पूछा पहले कि एलर्जी है क्या। जी 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 खाने में सब मैंने बंद करवा रखा है मैम, इनके कपड़े वगैरह धोने भी मतलब वैसे ही साबुन का यूज करना सब मैंने बंद करवा रखा है। जी जी नहीं सर वो कर रही है, वो साबुन से ही ऐसा उंगली में होता है, वो उनको एकदम पूरा मना कीजिए, वो कर रही है इसीलिए ऐसा ज्यादा उंगली में हो रहा है। करके एनीमिया भी लग रहा है कि रक्त अल्पता भी है, जैसे नेल्स एकदम व्हाइट है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन या पोषण संबंधी या रस धातु की तो कमी है इसमें, रस पाचक दीपन पाचन थोड़ा मृदु विरेचन अभिपत्तिकर चूर्ण से या आरकवत चूर्ण से थोड़ा सा विरेचन भी चलेगा इसमें। और खाने के लिए तो वही है टेबलेट खाने के लिए आरोग्यवर्धिनी बटी रस माणिक्य हरिद्रा खंड, और ये लगाने के लिए करंजी तेल नीम तेल का भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सर अगर स्त्राव हो रहा है ना तो AKT सूक्ष्म त्रिफला भी दे दीजिए। हाँ जी 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 चालू करना पड़ेगा। कैशोर उग्र सूक्ष्म त्रिफला या अमृता गुप्त चक्रमर्द डालिए थोड़ा, चक्रमर्द लगाने के लिए और कोई कॉम्बिनेशन में डाल दिया चक्रमर्द। अरविंद सर ठीक है हाँ बराबर है बरोबर है। और बाकी शशि मैम आप क्या सजेस्ट करेंगी, शशि मैम और अनामिका मैम कुछ बताइए आप लोग ऐड करिए। हेलो हेलो सर
हाँ जी मैम बताइए। हाँ सर, वो शोधन के लिए राजी नहीं है तो उसे वो एकदम सुबह अभिपत्तिकर चूर्ण 3 चम्मच ये दे सकते हैं, और उसके साथ मैं तो वो दूसरी विषारी देती हूँ, कोई भी स्किन डिजीज में पहले मैं दूसरी विषारी देती हूँ, 7 दिन या 15 दिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वेरी नाइस प्लान। अच्छा, और इसमें ना वो जो है वो जो स्किन का वो जो उंगली का कंडीशन है वो साबुन यूज कर रही है, वो साबुन से बर्तन धोती है इसीलिए ऐसा हो रहा है उनको, उसे एकदम स्ट्रिक्टली उसे मना करना होगा। और उसके बाद सर आरोग्य वर्धनी गंधक रसायन और कैशर गुगुल ये देने से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, नहीं तो बाद में मैं रसमाणिक्य गुरुचि सत्व ये सब देती हूँ, इससे सर एकदम क्लियर हो जाता है। और गंधक द्रुति देती हूँ जो उनके जो है ना एल्बो जॉइंट में जो लीशन है उसमें गंधक द्रुति बहुत अच्छा काम करता है, जहां पर विचर्चिका का मैंने पुराना लीशन लग रहा है एक एल्बो जॉइंट शायद वहां पर। नमस्ते सर। हाँ जी थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। शशि मैम आप कुछ नहीं बताएंगी? ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। और किसी को कुछ बताना है ये केस में जो ग्रुप में भेजा है सर ने, कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आप हमेशा बोलते हैं ना वर्णेगन का काढ़ा कुछ बराबर काढ़ा ये भी दे सकते हैं ना हम लोग, ऐसे थोड़ा भी सब बदल बदल के सब दे सकते हैं। जी बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ नया केस पूछना है या बताना है? डॉक्टर प्रभात पांडा जी आप कोई केस बताना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर मुझे एक और बात पूछनी है सर। हाँ सर। सर मेरा एक पेशेंट है वो 13 इयर्स का, मतलब हाँ। पहले उसका लीवर का साइज बड़ा हुआ था, लीवर तो नॉर्मल हो गया सर उसका, हाँ। उसका वेट ज्यादा है सर, ओवरवेट है वो। अच्छा, तो मैं सर शोधन वो करवाना नहीं चाहते, तो क्या उसको सर मतलब एस बी ना विदाउट शोधन के हम वो मेदोहर गुगुल चंद्र प्रभा बटी आरोग्य वर्धनी बटी और नवक गुगुल मेदो पाचक जी सर, वेट लॉस और डाइट चैट रहेगा ना वो डाइट फॉलो कराइए जी सर, सब अब उनका सिर्फ वेट कम करना है सर उनका सिर्फ। तो मैं किस चीज का दवाई बता रहा हूँ आपको क्या लग रहा है मैंने क्या बताया? जी सर, जी सर मैंने जो दवाई बताई क्या बताई बताइए क्या बताया बताइए। जी 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 मेदोहर आरोग्य वर्धन सर ये सर ठीक है सर। हाँ तो ये क्या चीज के लिए बताया मैंने? वेट लॉस के लिए सर। हाँ जी सर। पर्युषणादि लौ दे दीजिए और उद्वर्तन के लिए जो है जो मेद का विलयन करते हैं आरगवती अध्याय में देखिए मेद का विलयन करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं वो सब दे दीजिए। ठीक है सर। एक सवाल पूछू सर डॉक्टर माधुरी। हाँ, सर ये आरोग्य वर्धिनी है ना मैंने कभी कभी देती हूँ ना ओबेसिटी तो है ना एक भूख बढ़ाता है पर बिल्कुल नहीं बढ़ाता है। आप महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ दीजिए, लेखनीय गण के क्वाथ के साथ दीजिए तो वो फैट्स को मेल्ट करता है। ओके, लेखन करता है। अभी क्या वेट क्यों बढ़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं यकृत का कार्य खराब होता है तो ये मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देता है, बैलेंस कर देता है। सर आपकी वो विरेचन मट्टी भी मैं बीच बीच में तो उससे भी बहुत फायदा। हाँ जी सही है। ठीक है आलोक श्रीवास्तव जी बोलिए सर, कुछ बोलना चाहते हैं वेट लॉस के लिए? बाकी आप लोग और क्या क्या देते हैं नए नए दवाइयां थोड़ा बताइए। प्रभात जी वर्षा मैम कुछ बताइए वेट लॉस के लिए आप लोग क्या देते हैं? सर वेट लॉस के लिए सर मॉर्निंग में सर सुबह या रात को सर 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच जीरा और दालचीनी, थोड़ा दालचीनी जीरा है और धनिया खड़ा धनिया और मेथी इन सबको अजवाइन सबको सौंफ इन सबको सर भिगो करके सुबह मॉर्निंग में उबाल करके खाली पेट पीने से बहुत बहुत अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन पाचन अच्छा रहता है, साथ में वजन भी कम होता है सर। मैं खुद सर इसको फॉलो कर रही हूँ तो काफी अच्छा है मतलब। और क्या देती है मैम? और सर एक और तो और सर एक तो ये है और बाकी सर डाइट डाइट परिवर्तन तो है ही सर। तो क्या देती है डाइट में क्या परिवर्तन? डाइट डाइट में सर कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसका इंटेक कम करना पड़ता है थोड़ा सा, आलू है और मिक्स बाजरा की रोटी खाती हूँ सर, जैसे मैं चना बाजरा गेहूँ कम।
अच्छा आप अपना ही बता रही हैं, कितना वेट कम हुआ मैम? हाँ सर हुआ तो है सर, मतलब खाने पीने में परिवर्तन के साथ साथ ये सुबह इससे मेरे को बहुत फायदा पड़ा सर। और मेरे ना एड़ियों में मॉर्निंग में बहुत मेरा जैसे हाइट कम होने की वजह से थोड़ा वेट भी था, तो इसकी वजह से मेरे को सुबह मॉर्निंग में ये नी जॉइंट में पेन होना, साथ में मेरी एड़ियों में दर्द होना, सुबह जमीन पे रखने में नहीं रख पाती थी, बिना चप्पल के नहीं मैं चल पाती थी सुबह उठने बैठ के उठने के बाद। तो मैंने कोई दवा नहीं किया सर, सर सिंपल मैं काफी मतलब मेरे को 4-5 महीने हो गए मैं निरंतर सुबह उठ के मैं यही ऐसा ही पानी पीती हूँ, मुझे उससे बहुत फायदा हुआ जी। मेरे को वजन वजन भी कम हुआ और साथ साथ में एड़ियों में दर्द जो था वो भी बहुत उसमें बहुत आराम मिला। हेलो हेलो कविता मैम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आलोक जी। जी 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 सर किस में पानी पीते मैम? अरे सर सुबह वही सर रात में भिगो के रख देती हूँ सर, जीरा है 1 चम्मच जीरा है, खड़ा धनिया है, मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है और दालचीनी और सुंठी, इन सबको सर मिक्स करके सुबह उबाल करके छान के पीती हूँ, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, साथ साथ में ये बहुत अच्छा सर जॉइंट पेन वगैरह में भी बहुत अच्छा आराम मिला इसमें जी। मैं मैंने कोई दवा का सेवन नहीं किया पर इससे मतलब वेट वाकई में सर वेट परिवर्तन करता है ये। ठीक हाँ अच्छा रिस्पॉन्स है। हेलो सर। हेलो हाँ जी मैम बताइए। अच्छा सर अभी जो एलोपैथ डॉक्टर लोग या सब डायटिशियन लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बोलते हैं सर, इसमें आयुर्वेद का ऐसा कोई ये ठीक है क्या, ये लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, किसी को बोलते हैं 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, किसी को दोपहर 2 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, ये ऐसा इससे कोई फायदा होता है या कोई नुकसान? ये तो आदित्य सर बता सकते हैं, उनका पैथी का ये चीज है, वो अच्छे से बता पाएंगे। हेलो हाँ जी बताइए सर जी। हाँ जी हाँ जी सर प्रणाम सर। ये जो सर इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, ये मैंने एक बार एक डॉक्टर से डिस्कस की थी सर, जो मैम पूछ रहे हैं ना सर जी, इनका इसमें इनका जो मैकेनिज्म लगता है ना सर, ये कहते हैं कि जब हम 8 घंटे के बाद जब हम 16 घंटे जब हम फास्टिंग पे रहते हैं तो 12 घंटे के बाद ये कहते हैं कि हमारे शरीर का जो इंसुलिन है, इंसुलिन मैकेनिज्म जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और ग्लूकोगोन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, तो जो हमारी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो टूटने लग जाती है। अच्छा ठीक है सर। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह से जो जो हमारा ग्लाइकोजन है मतलब एनर्जी, वो वहां से स्टोर्ड एनर्जी यूटिलाइज करने लगता है शरीर। अच्छा। और जो आठ घंटे में हमने जो भी खाया है तो वो उससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसमें इंसुलिन मैकेनिज्म काम कर रहा होगा। तो हम 16 घंटे में 12 घंटे जब हमें हो जाते हैं, 12 घंटे के बाद का जो टाइम शुरू होता है अगला 6 घंटे, उस 6 घंटे में ये वॉक वगैरह करने के लिए बोलते हैं और ये सब कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो ये कहते हैं मैक्सिमम कैलोरी यूज हो रही होती है और उसका वेट लॉस होता है। लेकिन इसमें अगर हम इसमें देख के चले तो इसमें आयुर्वेद में तो सर ये होता है कि कई पेशेंट को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है क्योंकि वो प्रॉपर ना तो घी वाली डाइट ले रहे होते हैं, स्नेह लॉस हो जाता है। तो मैंने कई सारे पेशेंट देखे हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि इससे हमारे तो पेट में एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट हो गया, गैस बनने लगी और ऐसे ऐसे कई सारे उसकी प्रॉब्लम्स हैं। वो मतलब सबको सूट नहीं करता, उसके लिए बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। ये सर मैंने देखा है। और सर जो ये पेशेंट था ना जिसकी फिंगर वाला जो पेशेंट था विचर्ची का वाला, मैं ये पूछना चाहता था सर, इसमें हम पुनर्नवादी मंडूर भी यूज कर सकते हैं क्या सर, क्योंकि वो एनीमिक भी लग रही थी पेशेंट। हाँ, बराबर। और उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है सर उसमें? जरूर। हाँ जी हाँ जी। ये सर मैं सोच रहा था कि हम और गोक्षुर आदि गुगलू भी हम यूज कर सकते हैं सर उसमें, क्लेद निकालना है तो, क्योंकि पानी पानी आ रहा है। हाँ जी जी सर, क्लेदोहार और AKT सूक्ष्म त्रिफला तो सर उसमें बहुत ही अच्छा हो सकता है, मतलब जो मैं ये सोच रहा था सर। जी सही है आपका। हाँ जी हाँ जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? देखिए कितना अच्छा बताया रमेश जी ने, तकदीर जी आपने हैंड रेज किया है। जी सर, इंटरमीडिएट फास्टिंग की सर मैंने भी स्टडी कर रखी है। हाँ बताइए सर। इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग ना सर, जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा का ये एक हिसाब से जी, क्योंकि आयुर्वेदा में क्या कहते हैं कि एक खाने के बीच 8 घंटे का गैप होना चाहिए जी। ठीक है सर, तो अगर आपने एक सुबह 10 बजे खाया है
और शाम को 6 बजे तक खा लिया तो 8 घंटे हुए जी। और अगर उसमें आप बाद में दिन में आयुर्वेदा तो यही कहती है अगर आपने बैठने वाला काम करना है तो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाइए जी, और जो काम कर रहे हैं वो 3 बार खाएं जी। लेकिन विंडो यही है सभी की, अगर आप सर्दियों का देखेंगे तो 9 बजे के बाद खाना चाहिए और शाम को 5-6 बजे अंधेरा होने लग जाता है तो 5 बजे तक खा लेना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा सा वो टाइम बढ़ जाता है हमारा लोकेशन की वजह से जी, लेकिन गैप तो सर हमारे में भी फिर 14 घंटे का तो गैप हो ही जाता है। अगर 24 घंटे में से 8 घंटे कटाओगे 16 घंटे बचते हैं जी। तो इंटरमीडिएट सर वही है उसके है, लेकिन उसमें मैंने सर एक और चीज देखी, अगर हम इंडियन के हिसाब से फॉलो करें ना कि सुबह का खाना राजी जैसा जी, दोपहर का खाना राजकुमार जैसा और रात का खाना गरीब जैसा जी, उस हिसाब से सुबह का खाने में हमें अगर सिर्फ फ्रूट खाएं जी जो सीजनल फ्रूट है तो क्या होगा कि आपको पहले तो भूख नहीं लगेगी, आपका फ्रूट खाने के बाद पेट भर जाएगा जी। और उसके बाद अगर आप 1 हफ्ता कंटिन्यूसली फ्रूट खाते हो जी तो आपकी उसके बाद क्या होगा आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी दोपहर के वक्त में जी। फ्रूट खाने के 2 घंटे के बाद आपको बहुत ज्यादा तेज भूख लगेगी जी। जब वो भूख लगनी शुरू हो जाए सर आप फिर दिन में ना 2 बार खाना खाना शुरू कर दीजिए, 2 या 3 फुलके अपने काम के हिसाब से, और सब्जी ज्यादा खाएं और घी पूरी भर भर के खाएं जितनी खा सकते हैं जी। अगर आप वो करोगे तो वेट उससे भी लॉस हो जाता है, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुबह पहले सुबह के वक्त 8-9 बजे जब हल्की सी भूख लगे तो फ्रूट खा लें प्लेट भर के जितना आपका भूख है जी। और बाद में रात का 5 बजे रात की रोटी खा लें जी। और 1 हफ्ते के बाद क्या होगा आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, फिर दोपहर के जैसे 1-8 बजे आपने फ्रूट खाया उसके बाद 10-11 बजे आपको भूख लगेगी बहुत तेज, तब आप फिर से खाना खाएं और उसके बाद रात 5-6 बजे के बीच में फिर रात का खाना खाना शुरू कर दें। और रात को अगर भूख लगे 5 बजे खाना खाने के बाद आप 7-8 बजे के बीच में 1 ग्लास दूध ले लीजिए, आपका सर वेट हफ्तों में ही 2-3 किलो उड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें बस यही है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, और फ्रूट खाने से ये क्या होता है कि आपका पेट मल निकलना शुरू हो जाता है बॉडी में से अगर आप पेट भर के फल खाते हो जी। सर बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने बड़ी बड़े लोगों पर ट्राई किया ये जी। उनकी सर नींद कम, पेशेंट की जितने की भी नींद कम हो जाती है, आपको सिर्फ 4-5 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट रह जाती है अगर आप ये फॉलो करते हैं जी। पर ये है कि फॉलो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आपकी नींद फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और बाद में सर ये डाइट फॉलो करने के बाद अगर आप 3-4 दिन की फास्टिंग भी करें ना, आपकी बॉडी को वीकनेस नहीं महसूस होगी जी। बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ जितने सर डाइट है ना मॉडर्न जितने भी है, डिप डाइट, कीटो डाइट, पाइलियो डाइट, ये सब आयुर्वेदा के बेसिक कॉन्सेप्ट में से ना एक कॉन्सेप्ट को उठाकर डाइट बनी है, इसलिए ये कोई भी डाइट प्रॉपर नहीं है। अगर हम आयुर्वेदिक डाइट को फॉलो करें तो वो सारे कॉन्सेप्ट अपने आप ही फॉलो हो जाते हैं जी। बहुत बढ़िया बताया आपने। और कोई बताना चाहता है कुछ बोलना चाहता है? हाँ सर मैं ये जैसे मैं कुछ वीडियोस होते हैं ना फेसबुक के थ्रू भी कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह अपना मतलब वीडियोस बना के देते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा समझ में आया कि जैसे कुछ मतलब 10-12-14 घंटे की जो फास्टिंग होती है अपनी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। जैसे रात के 8-9 बजे के बाद अपन ना कुछ खा करके दिन में 10 बजे तक ना खाएं तो उससे क्या होती है कि जो हमारी बॉडी में जो सिस्टिक स्वेलिंग होती है, गांठें होती हैं, या जो कैंसर सेल्स जो हमारी बॉडी में हर किसी की बॉडी में बनती रहती है तो वो ऑटोफैगोसिटी वाले काम करती है, मतलब कि वो अपने बॉडी के सेल्स को खुद खा जाती हैं, तो अपनी जो ऑर्गन्स है उनको भी आराम मिलता है। तो इसलिए ये फास्टिंग का कंसेप्ट भी अच्छा है, जैसे कोई ग्लैंड की स्वेलिंग हो रही है या कहीं भी स्वेलिंग हो रही है तो रात के 8-9 बजे के बाद ना हम कुछ ना खा करके सुबह 10 बजे तक अगर 9-10 बजे तक कुछ ना खाएं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब कैंसर सेल नहीं होती, कोई गांठे नहीं है, ट्यूमर वगैरह जो होते हैं ना ये बनते नहीं। मैम ये तो आयुर्वेद में ही बोला है लंघन करने को, और इनको नोबेल प्राइज दिया है, वो अपने इसमें ही लिखा है और फिर वो जैपनीज को दे दिया, ऑटोफेजी का उसी बोलते ना फास्टिंग का जो ये हुआ तो उसी पे नोबेल प्राइज। हां तो ये कांसेप्ट तो अपने इसमें ही है, अपने ही ग्रंथ में लिखा है। बिल्कुल नहीं, ओरिजिन तो सब अपने आयुर्वेद में ही है, बिल्कुल हर चीज का जो वो सर्कैडियन जो रिदम जो बोलते हैं आजकल है ना, तो वो सब जो ओरिजिन है वो सब अपना आयुर्वेद तो है ही,
अथर्वेद का उपवेद माना गया है, तो अब उसी को मॉडिफाइड वे में हर चीज वो बोलते तो हफ्ते में, हम लोग पहले से ही बोलते हफ्ते में एक बार उपवास करो, वो अभी बोलने के फास्टिंग करो अभी बोलते। जी 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 जी, तो वो अच्छा लगा सुनने में कंसेप्ट की हाँ वास्तव में सही है जी। हेलो मैम, ये कॉन्सेप्ट सारे ना आयुर्वेदा के ही है, बात ये कि हमारे आयुर्वेदा में रिसर्च नहीं करते मैम। अभी जो बायोलॉजिकल क्लॉक का नोबेल प्राइज मिला था उन्होंने मैम 20 साल तक रिसर्च की है, उन्होंने प्रॉपर पार्ट ढूंढा है आयुर्वेद बॉडी के अंदर की, ये पार्ट है इस पार्ट की वजह से हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हमारे आयुर्वेद वाले मैम वो काम नहीं करते हैं इंडिया में ना। बिल्कुल सर, ओरिजिन तो वही है सर, अष्टांग संग्रह जो फर्स्ट क्लॉक में अपन पढ़ते थे दिनचर्या, कॉन्सेप्ट वही है मैम। अब मैम जैसे ये कह रहे हैं कि 16 घंटे इंटरमीडिएट में कह रहे हैं, आयुर्वेदा तो पहले कह रही कि सूरज चढ़ने के वक्त से बाद में बिल्कुल बिल्कुल हां बिल्कुल हां, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग अपने आप हो जाती है सूर्य, हां सूर्य आयुर्वेदा सूर्य पश्चात से पहले खाने के लिए बोला जाता है। जी जी, सूर्यास्त होने से पहले। आयुर्वेदा ये भी कहती है कि जो अन्न खाना है वो पहलवान जो है वो अन्न ज्यादा खाए, यानी कि जो आदमी फिजिकल लेबर ज्यादा कर रहा है वो अन्न ज्यादा खाए, जो फिजिकल आदमी लेबर नहीं कर रहा ज्यादा। तो हमारे यहाँ पर जैसे कई कहते हैं वो ग्रंथ कहीं नहीं अवेलेबल हमारे पास, लेकिन बुजुर्गों की अगर आप बातें सुने तो मेरे दादा जैसे कहते थे कि अन्न खाने से दिमाग की चमड़ी मोटी होती है, अगर आप अन्न ज्यादा खाओगे तो फिजिकल बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है और बॉडी की मेंटली सुन होना लग जाता है। और ये अगर मॉडर्न में आप देखें कि अगर ज्यादा अन्न खाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होती है, उसकी वजह से अगर इंसुलिन स्पाइक सारा दिन रहती है बॉडी में तो ब्रेन फॉगिंग हो जाती है शुरू। आयुर्वेदा तो फिर आप कोई इंडिया में करें ना 15 साल तक काम उनके जैसे, उन्होंने 15-20 साल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को प्रूव करने में लगाए हैं। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ बताना चाहता है? आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे, अगर आपने सुना ये सब बातें तो? सर मैं अभी अभी ज्वाइन किया सर, सॉरी सर। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है बताना चाहते हैं? सर मैं क्यों पूछना चाहती हूँ, हमारे से जान पहचान का सर एक रिलेटिव है, तो सर वो बच्चा एक गाँव में ही रहता है सर, वो बच्चा 6.5 साल का है अभी सर, 25 मई की सर हिस्ट्री है, मतलब 20 से 25 मई के आसपास उसको सर बुखार आया था, फीवर आया था, तो गांव के आसपास लोगों सर डॉक्टर्स को दिखा दिया होगा सर, तो क्या दवाई देते रहे, फीवर निरंतर आता रहा, मतलब ज्यादा हाई ग्रेड आता था 102-103, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे की कंडीशन बिगड़ी, उसका फीवर जब ठीक नहीं किया तो सिटी के हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहां जांचें वगैरह हुई, तो उसको सर वो डेंगू मतलब IgM या IgG को टेस्ट कराया हुआ तो वो पॉजिटिव आया, फिर धीरे धीरे सर क्या हुआ कि जब ब्लड टेस्ट कराया तो उसका हीमोग्लोबिन मतलब कभी 6 ग्राम 8 ग्राम और जो प्लेटलेट की काउंट थी ना सर वो घट के 31,000 हो गई, और वहां पे फिर उसको प्लेटलेट्स वगैरह ग्वालियर में एडमिट हुआ, ग्वालियर में फिर वहां पे प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ाई गई, मतलब है ना, तो फिर क्या हुआ कि ब्लड की डिमांड भी वो डॉक्टर्स लोग कर रहे थे बार बार, पर शायद पुअर कंडीशन होने के कारण वो उन्होंने मतलब बच्चे को वहां पे मतलब खर्चा भी ज्यादा आ रहा था तो उसको ले गए घर पे वापस ले गए, फिर क्या हुआ सर उसको फिर दोबारा बुखार अभी आने लगा, फीवर आने लगा, प्लेटलेट जो हीमोग्लोबिन बढ़ गया था, प्लेटलेट जब चढ़ाई थी पहले तो उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम, अब फिर क्या हुआ सर कल परसों मतलब 2 दिन पहले उसको इतना सर नाक से खून आने लगा बच्चे को, और मुंह से भी खून आने लगा, और सर प्लेटलेट जो है उसके हीमोग्लोबिन 6 ग्राम हो गया, प्लेटलेट जो है फिर घट गई उसकी 28,000 पे आ गई, 28,000, तो बच्चा फिर अब वो झांसी में कहीं भर दिए सर, वो मात्र CBC करवा रहे हैं और जांच नहीं करवा रहे हैं, तो सर वो मतलब प्लेटलेट उसकी बढ़ती है फिर कम हो जाती है, बढ़ती फिर कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी कम है, 6.5 साल का बच्चा है। इसमें रस पाचक रक्त पाचक गुरुचीज सत्व आरोग्य वर्धनी और या फिर अपने पुनर्नवा मंडूर नवायस लो ताप्यादि लो दाढ़ी मादी ग्रित कटुका दिग्रित ऐसे पांडु की चिकित्सा करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। जी जी, तो बेसिकली इसमें सर पांडु की चिकित्सा कर रहे हैं, और जैसे ये ज्वर मतलब क्रॉनिक भी बन गया है, पुराण ज्वर हो गया है, अगर ज्वर है तो फिर वहाँ पे आम पाचक रस पाचक रक्त पाचक, मैंने कहा ना रस पाचक रक्त पाचक या जीर्ण, मतलब बच्चा से ठीक नहीं हो रहा वो एलोपैथिक से भी ठीक नहीं हो रहा, आप एक बार वो केस लेके आइए ना, हम करते हैं ना डिस्कस।
जी सर, फिर मैं फिर करती हूँ सर, फिर मैं लिंक मुझे वहां देनी पड़ेगी, मैं फिर बात करके जी। कोई ऐसा बंदा हो जो उसको अच्छे समझ सके और बता सके। जी सर, क्योंकि वो फैमिली मतलब बहुत परेशान है और बच्चा जो है सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कल उसको 2 दिन काफी ब्लीडिंग हो गई, जिसकी वजह से फिर उसका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट डाउन हो गई, बॉडी में सर बना नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा सर, तो समझ में नहीं आ पा रहा से नहीं पता चलेगा हमें, केस टेकिंग करने से पता। जी 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 तो ठीक है सर, मैं हिस्ट्री मतलब मैं उसको फिर वहां पे करके फिर लिंक देती हूँ, फिर बताती हूँ सर कल तक। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है बताना है? आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है। नलिनी मैम आप कुछ बताना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं? हाँ मैम बताइए। नलिनी मैम आपने अनम्यूट किया है, कुछ बोलिए। नलिनी मैम आपने अनम्यूट किया है। डॉक्टर चंपा मैम आप कोई केस बताना चाहेंगी? सर प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी एक डॉक्टर साहब बताया ना फ्रूट्स खाने चाहिए, तो मतलब सुबह खाली पेट सर फ्रूट्स ले सकता हूँ कोई, इसमें नहीं होता? आप किससे पूछना चाहती हैं? अभी जो अभी मैं सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया एक्चुअली, जो पहले भी किस मैम फ्रूट सुबह मैम खाली पेट फ्रूट सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि फ्रूट लघु होता है पचने में, और सुबह का खाना जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा बैलेंस फूड होना चाहिए, और फ्रूट क्या होते हैं हल्के होने के साथ साथ उसके अंदर मिनरल्स और विटामिन। सर एक चीज हमको ये समझ में नहीं आती कि जैसे जो जूसेस होते हैं अपने आयुर्वेद में शास्त्रों में, जो कल्पना में स्वरस कल्पना तो सबसे गुरु मानी गई है ना सर, और लेकिन जूसेस जूसेस बोलते हैं, जूसेस तो इजीली डाइजेस्टेबल शायद नहीं होते आयुर्वेदा में ना। आयुर्वेदा में मैम मेरा मैंने ज्यादा ना खाने पर ही काम किया है अपनी स्टडी में, क्योंकि सर स्वरस कल्पना तो सबसे गुरु होती है पचने में, उत्तरोत्तर कल्पना लघु होती चली जाती है, तो वो मैं शुरू से सोचती भी आती हूँ मतलब जैसे बेसिकली मतलब अपन को जूसेस नहीं पीना चाहिए, वो जो जिस फॉर्म में फ्रूट से वैसे ही खाना चाहिए ना सर। हाँ मैम शुगर के लोग, शुगर डायबिटीज के लोगों को भी जूसेस मना करते हैं कि जूसेस ना पिए। हाँ मैम फ्रूट फ्रूट्स क्या होते हैं उनके अंदर ना लेयर्स बनी होती हैं फाइबर की, अगर हम वो सीधा फ्रूट काट कर खाते हैं ना तो वो लेयर फाइबर की इंटैक्ट रहती हैं, तो वो क्या होता है कि उससे कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा जो इश्यू होता है कि वो फ्रूट धीरे धीरे पचता है, क्योंकि फाइबर को टाइम लगता है, जो मिनट्स में नहीं कहते, एक लेयर फाइबर की होती है फिर कार्बोहाइड्रेट की फिर फाइबर की लेयर फिर कार्बोहाइड्रेट की, फ्रूट्स में भी ऐसा ही होता है, जब हम उसका उसको प्रोसेस कर देते हैं ना स्मूदी बना दिया या जूस बना दिया उसका, तो वो फाइबर्स की लेयर टूट जाती है पूरी, तो हम जब पीते हैं वो पूरे की पूरी ना हमारा चमक के अंदर सारा वो अब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि रस होता है ना पहले से ही, तो वो सीधा ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा देता है डाइजेस्ट होके, और जब फाइबर इंटैक्ट रहते हैं तो वो पूरा फ्रूट डाइजेस्ट नहीं होता, शुगर उसका आधा इंटेस्टाइन में जाता है, जो इंटेस्टाइन में चला जाता है फ्रूट वो फिर शुगर नहीं इंक्रीज करता, वो हमारे जो गट के बैक्टीरिया होते हैं ना इंटेस्टाइन में वो खाते हैं, तो हमारा माइक्रोफ्लोरा बढ़ना शुरू हो जाता है। जूस किसी चीज का भी नहीं अच्छा, सिर्फ गन्ने का जूस कहा गया है बॉडी के लिए अच्छा होता है, बाकी सारे जूस ही बॉडी के लिए बुरे होते हैं, वो सिर्फ तब पी सकते हैं कि हम जैसे बहुत ज्यादा गर्मी में गए तो डिहाइड्रेशन हो रही है, ग्लूकोज लेवल गिर रहा है, उस कंडीशन में सिर्फ हमें जूस पीना चाहिए, वैसे जूस बिल्कुल ही मना है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी जूस का। फ्रूट्स में सर बेसिकली जैसे कौन कौन से मॉर्निंग में सेफ रहते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट या कोई और फ्रूट्स? मैम सारे फ्रूट ही सेफ है, कोई चक्कर नहीं है, बस ये है कि इकट्ठे नहीं खाने चाहिए। अच्छा और डायबिटीज वालों को केला और अंगूर, ये जो फ्रूट है ना इसके अंदर वो फाइबर्स की लेयर नहीं होती जो मैं बता रहा हूँ जो बाकी फ्रूट्स में होती है, तो वो फिर वो डेंजरस होते हैं डायबिटीज वालों के लिए, बाकी जिन फ्रूट्स के अंदर फाइबर्स की लेयर होती है ना वो सारे हेल्दी होते हैं। और फाइबर्स का हम कैसे पता कर सकते हैं कि आप कोई भी फ्रूट काटो और उसको फ्रिज में रखने के बाद बाहर निकालो, अगर वो सॉफ्ट अजीब सा मशी सा हो गया ना तो वो फाइबर है उसके अंदर, उसमें एप्पल आता है, पियर्स आते हैं और अपना पपिया आता है, वाटरमेलन आता है,
मस्कमेलन आता है, गावा आता है, हेलो सर एक डाउट था जी सर। हाँ जी सर, सर मैं ये कह रहा था जो ये फ्रूट्स वाला बता रहे हैं ना सर, ये मैंने भी एक बार 2-3 महीने इसी तरह सिर्फ फ्रूट डाइट ली थी मॉर्निंग में, और जैसे सर ने बताया है ना कि हम कुछ दिन जब उसे खाते हैं 10-12 दिन खाते हैं, तो उसके बाद हमें फ्रूट खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद ही बहुत तेज भूख लगने लग जाती है, वो सर ने बिल्कुल बताया क्योंकि मैंने खुद ये करके देखा था। गट का माइक्रोफ्लोरा बढ़ जाता है ना हमारे गट का, हमारी ग्रैनी जो होती है वो खत्म होने लग जाती है। नहीं सर मैंने यही देखा कि भूख बहुत तेज लगने लग जाती है और डाइजेशन भी बड़ा अच्छा हो जाता है मतलब, और मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर हम फ्रूट रेगुलरली मॉर्निंग में फ्रूट लेते हैं तो मतलब हमारे मतलब जो हमारा फेस है ग्लो करने लग जाता है मतलब ऐसा भी, और वो देखा भी मैंने जब हमने खाए कुछ दिन तो लाइट फील करने लग जाती है। जी सर आदित्य सर से क्वेश्चन था। हेलो आदित्य सर। जी सर। हेलो। हाँ बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मुझे ये पूछना था कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला अभी एक टॉपिक चल रहा था जब तक आप आए नहीं थे, तो सर उस पे एक बार आप अपना बताइए सर कि उसमें उसको क्या चलता है उसमें, जैसे मॉडर्न वाले बताते हैं ना सर, तो जो जो मुझे मैंने एक डॉक्टर से डिस्कस किया था उन्होंने तो मुझे यही बताया था कि जब इंटरमिटेंट हम फास्टिंग करते हैं, जब 16 घंटे हम फास्टिंग रखते हैं और 8 घंटे खाते हैं, तो जो 12 घंटे का इंटरवल है उसमें इंसुलिन मैकेनिज्म चलता है, और जो बाकी आगे जो चलेगा 6 घंटे तो उसमें ग्लूकोगोन मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और फिर कैटाबोलिज्म स्टार्ट हो जाती है, जो शुगर हमें मिलती है वो हमें उससे मिलती है, ग्लाइकोजन टूटता है फिर हमारा, और अगर और भी ज्यादा हम फास्टिंग करने लग जाए तो फिर हमारा फैट बर्न होने लगता है और फिर एनर्जी हमें वहां प्रोटीन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस चालू हो जाता है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस जी जी, तो फैट और प्रोटीन बर्न होकर एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। इवन उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि जब हमारी एनर्जी फैट से मिलनी शुरू होती है तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन पे एक बहुत ही अच्छा होता है, और हमारा ब्रेन बहुत अच्छी अच्छी थॉट सोचने लग जाता है, मतलब उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसे भी होता है। तो आपका सर मैं व्यू सुनना चाहता था कि आपके क्या है सर इसमें मॉडर्न में व्यू, क्या कहते हैं सर? सर इंटरमिटेंट फास्टिंग सर बेनिफिट तो करता है, क्योंकि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग तभी करना चाहिए जब बॉडी में आम बनना चालू हो जाए। अगर भूख अच्छे से लग रही है, जैसे बच्चों को कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कराते, तो जब पूरी ग्रोथ हो जाती है शरीर की और शरीर से पेट निकलने लगता है तब इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल आता है, जब अग्नि कम हो जाती है उम्र के साथ। हाँ सर बिल्कुल सही, एडल्ट फेज में सही रहता है। जी मैम। तो क्योंकि एंजाइम्स बॉडी में मतलब पित्त या अग्नि कम हो जाती है, अच्छा पित्त जो बोलते हैं, अग्नि कम हो जाती है, तो ऐसे विदेशी भाषा में बोलूं तो एंजाइम्स जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे आपने बोला ना कि फल के बाद भूख लगती है, क्योंकि फल में वो पित्त मतलब फल क्या होता है ना, खुद ही आप उसको नहीं खाओ ना तो बाहर खुद ही पच जाएगा, उसमें एंजाइम्स रहते हैं, तो अंदर वो पचता है, वो एंजाइम्स आप जो खाना खाते हो उस भोजन को पचाने में मदद करता है बाद में 3-4 घंटे बाद, तो उसको गृहिणी को थोड़ा सा वो कंड्यूसिव करता है कि एंजाइम्स की कमी हो जाती है शरीर में, या बोले अग्नि की कमी हो जाती है शरीर में उम्र के साथ। तो ये जो चीजें जैसे जैसे फल से भी आसानी से दूसरी चीज पच जाती है, मैं तो कहूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की जगह आप गोमूत्र लेके देखिए तो वो तो तुरंत पचता है, तक्र गोमूत्र और आसफ तो तुरंत पचते हैं, फल को तो थोड़ा टाइम भी लगता है क्योंकि वो सब उसमें पित्त मतलब एंजाइम्स रहते हैं तीनों चीजों में। और जैसे आप जैसे तक्र को व्हीकल लेके चले अगर तो मतलब पचा हुआ दूध अपने आप में रस और पचा हुआ तो बहुत ही बढ़िया मतलब वो अग्नि को बढ़ाता है सर। और इंटरमिटेंट फास्टिंग इन जनरल ये क्या जो स्टडीज होती है ना इन जनरल होती है, जैसे ग्लूकोगन स्पाइक, क्योंकि जैसे अब जो लोग ब्रश करते हैं सब में आम है ही, ब्रश करने की जरूरत पड़ी रही है, मॉडर्न मेडिसिन तो बोलती है कि भैया ब्रश करना चाहिए सबको क्योंकि आम जम जाता है, लेकिन अगर सच में दीपन पाचन अच्छे से करें ना तो आम जमना कम हो जाता है, तो वही आम के कारण इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल होता है कि अग्नि को थोड़ा सुलगने दीजिए, थोड़ा मल को साफ होने दीजिए तो उम्र उससे बढ़ती है। जी सर। जी सर ये मतलब बढ़िया बताया सर आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि अगर हमारी हमारी बॉडी में इस तरह से सारा आम कलेक्शन हो गया है और हमें लग रहा है कि भाई इसमें आम ज्यादा है,
तो हम उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बता सकते हैं और उसके एक अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं, या नहीं सर? जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है तकदीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया है। नहीं सर, वो मैं वही बता रहा था कि मॉडर्न में भी ये स्टडी हुई थी कि हमें फैट खाना बहुत जरूरी है, डायबिटीज रिवर्सल करना है तो हमें फैट खाना ही जरूरी है। अगर आप डायबिटीज रिवर्सल चाहते हैं, अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो आप डायबिटीज का रिवर्सल कभी नहीं कर सकते। जिनकी सर ये स्टडी थी ना, मैं उनसे मिला था, उनकी डेथ हो गई, उनको लंग कैंसर हो गया था, तो उन्हें पता नहीं लगा था, तो उनको लास्ट ईयर डेथ हो गई थी उनकी। उन्होंने सर जिनको बाय बर्थ डायबिटीज थी, उनकी भी डायबिटीज की मेडिसिन बंद करवा दी थी 6 मंथ में, सिर्फ फैट इंड्यूस कराकर बॉडी के अंदर। जी, फैट खाना है और कार्ब्स नहीं खाने। ठीक है, और बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं, कोई केस से रिलेटेड बात बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? डॉक्टर दिनेश चंद्र जी कृपया बताइए, पूछिए कोई केस। सर नमस्कार। हाँ सर बताइए सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छी, हाँ आदित्य सर पूछेंगे, किससे पूछेंगे? नहीं आपसे सर। हाँ पूछिए सर। सर हम एक चूर्ण को अगर उसका पोटेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो उसी चूर्ण का क्वाथ को भावना देते हैं, आपने पहले बताया था कभी। जी, तो वो कितने बार कम से कम देना चाहिए और इसमें डोज का क्या चेंज होता है क्या? एक बार देने से भी फायदा होता है और जितना आपके पास टाइम है उतना, जैसे मेरे सूक्ष्म त्रिफला में 51 बार करते हैं जी, अगर कजली मिला दिया तो और पावरफुल हो जाता है वो। तो कजली पहले से भी मिला हुआ होता है, बाद में ये दिया जाता है सर? बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालते हैं। ओह सर, सर सर तो जैसे त्रिफला में हम जैसे बार बार त्रिफला की भावना दे रहे हैं सूरज की, और थोड़ा सा कजली डाल दिया तो वो भी त्रिफला में बार बार घुट घुट के वो एक और स्ट्रांग हो जाता है, फिर उसका डोज कम होता है और जल्दी इफेक्टिव रहता है वो, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अच्छा जी जी। चल ऐसे त्रिफला चूर्ण को, प्लेन त्रिफला चूर्ण को भी हम त्रिफला क्वाथ में भावना देते हैं 7 बार, तो उसका डोज हम कम कर सकते हैं? कम करते हैं और इफेक्टिव हो जाता है ज्यादा। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे होम्योपैथिक प्रिंसिपल भी मतलब हमने आयुर्वेद में इंक्लूड कर रखा है, कितने बढ़िया तरीके से। जी जी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है पूछ सकते हैं। डॉक्टर गंगवार सर आप कोई केस पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं? अनामिका मुखर्जी मैम कोई केस पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं शेयर करना चाहते हैं? डॉक्टर सुनील कुमार जी, डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम कोई केस? हाँ जी बताइए। हाँ सर मैंने ये पूछना था, मैं सूक्ष्म त्रिफला के बारे में पढ़ रहा स्टडी कर रहा था जी। तो उसमें लिखा है कि वो सबलिंगुअल में 15 mg के आसपास डोज लगती है उसकी जी, तो वो सबलिंगुअल ही इस्तेमाल होता है या फिर हम दूसरी डोज? सबलिंगुअल भी होता है, कैसे भी होता है, वो इफेक्टिव जल्दी होता है, 2-3 दिन में ही इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देता है। ठीक है सर जी, क्योंकि सर मैंने तो किसी और मेडिसिन में डालना था इसलिए मैं पूछ रहा था कि वो जी। कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है ना तो हम क्या देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला AKT देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं सर मैं स्वर्ण सिंदूर की बात कर रहा हूं। स्वर्ण सिंदूर की बात कर रहे हैं? जी जी। स्वर्ण सिंदूर तो हम जहाँ पे कुपुत के विकार होते हैं, जहाँ पे सूक्ष्म गमित्व चाहिए होता है, वहां पे बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है सिंदूर का। मेरे ज्योतिष तो पता थे, मैं ये पूछ रहा था कि उसमें लिखा था कि 15-15 mg सबलिंगुअली डोज लिखी हुई थी उसमें। सबलिंगुअली, हाँ तो ठीक है ना, सूक्ष्म गामी होता है ना, होता है जी जी। हमारे तो सर बताते हैं कि सारे रसकल्प को भी सबलिंगुअली लिया तो जल्दी इफेक्टिव रहता है, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी को जीभ के नीचे रखिए तो बहुत इफेक्टिव रहता है और कम डोज में ही बहुत अच्छा फायदा करता है। सुशेखर रस को भी करिए, स्वर्ण सुशेखर, सबलिंगुअली लेने से रसकल्पों का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू। हाँ डॉक्टर हरीश बत्रा जी आप कुछ बताना चाहते हैं पूछना चाहते हैं बताइए सर। मुकेश कुमार जी
डॉक्टर मुकेश कुमार जाटव जी कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? प्रणाम सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ जरूर बोलिए आप। सर एक लेडी पेशेंट आई थी, एज उनकी अराउंड 50 मेनोपॉजल एज है जी। तो आज से 20-22 साल पहले उनका एक जो फर्स्ट इशू था वो अबॉर्ट हो गया, तो उसके बाद कंसीव ही नहीं किया उन्होंने जी। तो उनका एंकल जॉइंट पे ना एक डार्क कलर का ब्लैक पैच है, तो विवर्णता वैसा है जी। तो सर ना तो उसमें कंडू होता है ना दा है, कुछ नहीं, बस वो एक पैच जैसा है। तो उसको वो चाह रही थी कि कॉस्मेटिक पर्पस से आप मतलब इसको हटा दो, है ना, उसको उससे कोई तकलीफ नहीं थी उनको ना जी। तो सर मैंने तो अभी उनको आरोग्य वर्धिनी वटी मतलब 3-4 दिन हो गए हैं, तो आज दोबारा आई थी वो और रस पाचक दिया उनको, आरोग्य वर्धिनी वटी पंचतिक्तग्रत गुगुल दिया था और आज गंधक रस एन महामंजिष्ठादि कषाय और महातिक्तग्रतम उसके साथ जो है उनको रक्तशोधक पाउडर जो मैं बनाती हूँ वो दिया था सर। तो सर उसका थोड़ा सा कलर मतलब बेटर हुआ है, ठीक है सर। उस पे लगाने को मैंने जो है हल्दी और एलोवेरा का थोड़ा जूस लेके नीम का एक कल्क जैसा बना के उसको मैंने बोला था आप नहाने के पहले उसको लेप कर लीजिएगा और नहाने के बाद उसमें महातिक्तग्रतम अप्लाई करिएगा। तो सर थोड़ा रिजल्ट तो मिला है बट सर मतलब थोड़ा और क्या इसमें किया जा सकता है इम्प्रूवमेंट? जलौका लगा सकती हैं आगे पीछे, दूषित रक्त निकाल सकती हैं? नहीं जलौका नहीं है मेरे पास सर ना। ठीक है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। और दूसरा क्या करिए कि आप वर्णगण जो है, हाँ वही वही सर वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि या तो मैं आपसे मंगा लूंगी सर। वर्णगन का गोली आता है या कुमकुम आदि तेलम का तेल या कुमकुम आदि कृत लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है, खाने के लिए दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा सर। वो जो आप वो ऑयल भी मैंने मंगाया है ना, तो मैं उसका नस्या प्लान करने का सोच रही हूँ है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा ना सर? कहीं ना कहीं क्या 100% देगा, नाक में हम कुछ भी डालते हैं ना तो उसका पूरे बॉडी पे इफेक्ट आता है। ठीक है सर, अभी तो ऐसे ही करती हूँ सर। और वर्णगण का इसका क्या टैबलेट आती है या टैबलेट आती है ना? आपका सब दवाई आ गया है मेरे पास, मेरे को टाइम नहीं मिला आज भेजने। कोई नहीं सर, जब आप कन्वीनियंट हो तब आप भेज दीजिएगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है अभी। तो मैं बस अपनी बताना चाह रही थी सर, मैंने डायग्नोसिस में यही लिखा कि तो विवर्णता है, वो हो क्या सकता है सर? लेकिन आपने हेतु नहीं बताया कि क्यों हेतु है। हाँ मैं बता रही हूँ सर, हेतु उनका सर वो चाय और नाश्ता एक साथ ऐसे करते थे और स्ट्रेस कहीं ना कहीं है उनको, मतलब वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते बट है एक हेतु में मैं मानूंगी इसको। और इसके अलावा सर कुछ नहीं मिला, बहुत एक्टिव है और मतलब डाइट भी उनका अच्छा है, टाइम से खाना खाना, रात्र में भी जल्दी खा लेना, दलिया और खिचड़ी इस तरह से खाती हैं, हैवी फूड भी नहीं लेती और थोड़ा सा पित्त बढ़ा रहता है तो अभिपत्तिकर चूर्ण वगैरह मैंने रात में ऐड किया था सर। तो सर मतलब ऐसे कैसे उसको समझा जा सकता है जिसमें कोई ऐसा लक्षण भी ना दिखे, ना दाह है ना कुछ? आखिर तो विरुद्ध दन गया है ना। हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं उसने रक्त की दुष्टि किया, त्वचा रक्त मांस लसिका इन सब की दुष्टि करके वो स्थान संचय जहां मिला वहां जाके बैठ गया और फिर वहां पे विवरणता कर दिया जी। सर सर जैसे अभी मैंने रस पाचक दिया तो इसके बाद क्या मैं रक्त पाचक और क्या देना है? रस पाचक, रक्त पाचक, फिर ये जो हम बोलते हैं कि रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयां जैसे साप्यादि लौ, स्वर्णमाक्षिक भस्म, महामंजिष्ठादि क्वाथ, ये प्रसादन करती है, मतलब अच्छा क्वालिटी का ब्लड बनाती है। तो फिर ये दे दीजिए और बहुत सारे है ना, चंद्रकला रस कितना बढ़िया, हाँ ये दे दीजिए चंद्रकला रस। हाँ वो रक्त, अच्छा सर मैंने उसको, उनका हीमोग्लोबिन भी कम है, 9 रहता है तो मैंने ताप्यादि लोह तो ऐड किया है। हीमोग्लोबिन कम रहता है तो दाढ़ी मादी ग्रीत दे दीजिए और साथ में पुनर्नवा मंडूर नवायस लो, ताप्यादि लो। जी सर, जी सर ठीक है सर, पुनर्मंडूर वटकम, पुनर्नवा मंडूर, ठीक है सर। हाँ। सर मैं अभी भेजने से पहले मैं ना वर्णगण का आपसे वो भी जो पाउडर है आप जो भी बनाते हैं वो मैं मंगाऊंगी तो मैं उसको ऑर्डर दे दूंगी, लगा दूंगी, प्लेस कर दूंगी, तो आप फिर तभी भेजिए। और जिसको भी मेरा दवाई से फायदा नहीं हो रहा है वो मुझे ओपनली बताए कि फायदा नहीं हो रहा है, क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए हमारे दवाई का तभी रिजल्ट आता है,
जिसको भी लग रहा है कि नहीं रिजल्ट आ रहा है मुझे तुरंत बताया करिए। अभी जैसे मैंने आपको प्रवाल पंचामृत दिया था तो उसका क्वालिटी आप सेटिस्फाइड है क्या मैम? सच में सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब वो चीज बाहर नहीं मिलती है, ये तो बात मैं बोलूंगी जी। मतलब वैसा बाहर नहीं मिलेगा मुझे जी। और सस्ता भी नहीं मिलेगा। आप बैद्यनाथ कर लीजिए मोती, प्रवाल पंचामृत कितना महंगा पड़ता है। हेलो सर हाँ जी मैम बताइए। हाँ एक चीज पूछना चाहती हूँ मैं सर। हाँ। एक पेशेंट है वो 52 ऐसा एज है, पित्त प्रकृति का है सर। उनका बाल बहुत झड़ रहा है तो उनको मैंने तो आरोग्यवर्धनी और अभिपत्तिकर चूर्ण दिया था और नीली भृंगादी तेल लगाने के लिए और नश्य भी दिया है। और वो जो आपने बोला था प्रबाल पंचामृत उसके साथ गुलकंद के साथ दिया, वो एक 1 वीक में बहुत अच्छा फायदा हुआ, वो बाल झड़ना बंद हो गया उनका जी। और तो ये मगर हमारा आयुर्वेद आपको कॉन्फिडेंस आया ना कि कितना अच्छा? बहुत बहुत सर बहुत अच्छा। मगर एक बात है उनका, एक बालों में भी एक जगह पे माथे में वो एलोपेशिया है सर, उसमें लगाने के लिए कुछ और नहीं तो उनके स्पेशली उसके लिए कुछ देना है। वो कैसा मतलब इंद्रलुप्त जैसा है क्या? हाँ इंद्रलुप्त एकदम इंद्रलुप्त। तो आपको जो गुआवा लीव्स रहता है ना अमरूद का जो पत्ते रहते हैं वो घिसिए तो उससे आ जाएगा। नहीं तो आप प्रच्छान कर्म करिए, मतलब एक नीडल लेके आइए ऐसे छेद 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 करके थोड़ा ब्लड निकालिए, या फिर आप जमाल गोटा या इच्छा विधि रस होता है उसको पीस के वहां लगा दीजिए तो ऊपर का स्कार्फ निकल जाएगा और वहां पे फिर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है हम जरूर करेंगे और रिजल्ट भी बताऊंगी। लीच लगा दीजिए, लीच थेरेपी। मैंने कभी नहीं लीच लगाया इसीलिए अच्छा, मुझे एमडी का चिकित्सा होके लीच नहीं लगाया? नहीं था, मैंने हमारा टाइम पे वहां पर कुछ नहीं था, लीच नहीं था। मैं आपको 500 लीचेस गिफ्ट दूंगा जलौ का जी। मैं जरूर जाऊंगी सर ये सीखने के लिए, लीच मैंने नहीं लगाया। लेकिन आपने क्या क्या दिया एक बार फिर से बताइए बालों के लिए, सब लोग लिख लीजिए आप ये मैम जो बता रही है। सर उनको तो मैंने तो पहले आरोग्यवर्धनी दिया था और उसके साथ वो अभिपत्तिकर चूर्ण सुबह दिया था और फिर मैं वो प्रबाल पंचामृत और गुलकंद के साथ दिया था और नीली भृंगादी तेल जो बालों में लगाने के लिए और नश्य भी दिया सुबह। सिर्फ यही मेडिसिन से इनका बहुत फायदा हुआ। इतना उम्र उनका 52 है, पित्त प्रकृति है, मगर एक 1 वीक में बहुत झड़ रहा था बाल, 1 वीक में पूरा बंद हो गया बाल झड़ना। इतना अच्छा फायदा किया ना गुलकंद और ये प्रवाल पंचामृत। हाँ मतलब आपने भृंगादी तेल किसका लिया था आपने? वो मैंने तो यहाँ पर आर्य वैद्यशाला का लिया था। अच्छा उसी को आपने बोला होगा नस्या के लिए भी? हाँ मैंने खुद दिया है उनको नस्या। अच्छा, दो दिन दिखा दिया, डोज दिया मैम। अनामिका मैम कितना मात्रा में? अभी मैंने उनको 4 ड्रॉप्स दिया है। 4 ड्रॉप से इतना अच्छा फायदा हुआ? हाँ 4 ड्रॉप से इतना अच्छा फायदा हुआ। आप अगर मेरे जैसा 15 ml देंगी तब कितना? हाँ मैंने उनको बढ़ाने के लिए बोला है, मगर मैंने तो फर्स्ट दिन दिया था उनको दिखाने के लिए तो वो 4 ड्रॉप्स दिया। अच्छा सर, इसके उषा मैम ने भी बताया था ना कि जो पारिजात का पत्ता होता है ना उसका जो रफ एरिया होता है वहां से मतलब जो एलोपेशिया रेटा वाला जो पोर्शन है वहां पे वो रब करने से भी शेफालिका पत्रिका शेफालिका पत्र का वो घिसने से हो जाता है जी सर तो अनामिका मैम आपको अच्छा लग रहा है नस्य देने से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो? बहुत सर, मैं खुद लेती हूँ नस्य, आपसे जो खीर वाला मंगवाया ना वो मैं सुबह देती हूँ हर रोज, बहुत कितना, अच्छा लगता। कितना डोज? मैं तो 8 ड्रॉप ले रही हूँ अभी। तो जलता नहीं है नाक में गले में? नहीं जलता है। अच्छा एकदम नहीं, और गले में भी नहीं आता है। अनामिका मैम हम आपको देखना चाहते हैं कि आप दिखती कैसे हैं, अगर आपको पॉसिबल है तो हमें दिखा सकती हैं कि आप हैं कौन, हम केवल आपका आवाज सुने लेकिन आप कैसी दिखती हैं, कौन है? अच्छा मैं सर मैं ऑन करती हूँ वीडियो। आप लोग देखिए ये हमारी अनामिका मैम है, किसी ने देखा नहीं है केवल आवाज सुना है। ठीक है मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतनी इंटेलिजेंट मैम बंगाल की कलकत्ता की इतनी इंटेलिजेंट कौन है।
मैं स्पॉटलाइट कर दूंगा। और कविता मैम आप देखिए, ऐसे आप बालों के पेशेंट आते होंगे आप लोगों के पास, तो आप लोग दिया करिए, फिर बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने एक पेशेंट को दिया था 2014 में, और वो पूरा पेशेंट का बाल उड़ गया था, पूरा पूरा गंजे हो गए थे। 32 साल 32 ईयर्स का एक मेल पेशेंट था, मुझे अहमदाबाद में मिला। तो मैंने उसको केवल यही चीज बोला कि गुलकंद और प्रवाल पंचामृत खाइए, बस एक ही चीज से उसको इतने अच्छे बाल है, इतने अच्छे बाल है। वो पोलैंड में है, और वहां से मुझे फोन आता है कि आपके दवाई से इतना फायदा हुआ, और मैंने और भी गुजराती लोगों को दिया जो पोलैंड में है, सभी को फायदा हुआ। अच्छा ये देखिए, ये हमारी है अनामिका मैम। हेलो सर। हाँ आप थोड़ा अपने बारे में बताइए सभी लोगों को, आयुष दर्पण पे, आयुष दर्पण पे सभी को बताइए कि आपने कहाँ पढ़ाई किया है, सब बताइए मैम सबको। आपने बीएमएस कहाँ से किया? मेरे आवाज आ रहा है सर? आ रहे है। आपने बीएमएस कहाँ किया है, कब किया है, और एमडी कहाँ से किया है, थोड़ा बताइए सभी को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैडम आपकी आवाज आ रही है, सर की भी आवाज आ रही है, इनको नहीं आ रही है हमारी आवाज। हेलो आ रही है क्या आवाज? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है हमने देख लिया आपको मैम, थैंक यू। अब आप वीडियो। हेलो हेलो सर आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। ठीक है गंगवार सर आप कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर अजय जी आज कुछ बोले नहीं, आज क्या हो गया? आज शशि मैम भी नहीं बोली है। डॉक्टर शशि तिवारी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप बालों के लिए क्या करती हैं शशि तिवारी मैम, अगर सुन पा रही हैं तो कृपया बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर पहले तो सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जिन लोगों को भी मतलब हेयर फॉल के केसेस हैं, खासकर मेरे पास कोविड के बाद इस तरह के ज्यादा पेशेंट्स आए हैं, तो कोविड वालों को हेयर फॉल वगैरह रहा है। और लेडीज के केस में मैं सर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह भी लेती हूँ, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की पहले डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद ही ट्रीटमेंट करती हूँ। तो उसमें वॉश वॉश के तरीके बताना पड़ता है, और जैसे कई सारे लोग को नॉर्मली ऐसे बताते थे, तो मैं प्याज का जो सर रस होता है वो निकाल कर अगर लगाएं तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मेथी को पीस करके लगा ले लिए उससे भी रिजल्ट आता है। हालांकि अभी तक ये जो है इच्छा भेदी रस या जयपाल वगैरह जमाल घोटा वगैरह के मैंने नहीं किए हैं, या प्रच्छान्न कर्म वगैरह नहीं करे हैं, क्योंकि नॉर्मली इन्हीं चीजों से ठीक हो गया। और सर हेयर फॉल के केस में नस से बहुत इफेक्टिव होता है, नस से अगर प्रॉपर सूट कर जाए, मतलब कि हम पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से समझ जाए कि हाँ यही नस इसको देना है, तो नस से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और कई बार हिस्ट्री इन सब चीजों की होती है, जैसे मान लो कॉस्मेटिक वगैरह लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, या कुछ लोग कहता है कि डाई लगाया था उसके बाद हेयर फॉल वगैरह हो गया, ये सब सारी चीजें। तो अभी तक तो सर मैंने ऐसे ही किए हैं, आगे कोई वैसा खतरनाक केस आएगा मतलब तब मैं प्रच्छान वगैरह के बारे में सोचूंगी, फिर मैं सर आपसे राय लूंगी। अदरवाइज तो पित्त शामक में चिकित्सा करते हैं, क्योंकि खालित्य पालित्य तो उसी का है, और थोड़ा सा मार्ग अवरुद्ध रहता है सर। जी सर थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। शशि मैम ये तो हेयर फॉल का कोई जैसे व्हाइट हेयर होते हैं ना उनको जैसे वापस से ब्लैक करने के लिए कोई मैम ब्लैक हेयर के केस में भी उसमें पित्त शामक ही करते हैं। जैसे हमारे एक मोम ने किसी को सिर्फ आंवला खाने को बोला था, मैंने फोरम पर भी बताया था, उनका विद इन 3 मंथ ही पूरा ब्लैक हो गया था, बट पेशेंट की एज वही थी 30-35 के बीच में थी। कई बार फैमिली हिस्ट्री बहुत होती है, जैसे देखे उस दिन अजय कात्यायन सर के मतलब आया था रिलेटिव का जो था, उसके भी बाल बहुत झड़ रहे थे और व्हाइट हो रहे थे, तो फैमिली हिस्ट्री के में मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आजकल बच्चों की सारी खान पान की हिस्ट्री मिलती है, तो उसमें भी वही मेन पित्त शामक चिकित्सा करनी होती है। भृंगराज वगैरह ऐसे लोकल एप्लीकेशन में भी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि बहुत बढ़िया डाइंग एजेंट होता है। तो जो नॉर्मली लोग और डाई लगाते हैं उसके अपेक्षा सिर्फ भृंगराज की पत्तियां पीस कर मैम लगाएं तो बहुत बढ़िया आएगा। नीली भृंग आदि तेल का नस से लगाएं तो उससे आएगा, क्योंकि और किसी का भी व्हाइट हेयर हो चुका है तो ज्यादा अमाउंट में हो चुका है, तो उसमें टाइम लगेगा बट हो जाएगा मैम। उसमें आपको देखना पड़ेगा, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड डायग्नोसिस नहीं कि सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, आपको कंप्लीट हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। जैसे लड़कियों केस में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जरूर लीजिए, कभी भी स्किन की भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जरूर लो, क्योंकि जहां पर भी पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कई सारे लोग आज के डेट में मैम देखो एक या दो सिर्फ पैड यूज करती हैं लड़कियां, और बोलती हैं मेरा पीरियड
ठीक है, ये क्या तो पैड में नहीं होता, इसका एंटी टाइप का ही होता है नॉर्मली। और ये क्या तो पैड लोग चेंज इसलिए कर देते हैं भाई ये सर्टेन टाइम हो गया, सुबह का लिया तो शाम को चेंज कर दिया, वो गीला हुआ नहीं हुआ। तो एक बार कंप्लीट हिस्ट्री एटलीस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के लीजिए, और फिर ग्रहणी दृष्टि कैसी है उसको देखिए, और क्या वो लोग लोकल एप्लीकेशंस में कर रहे हैं। जैसे अगर मैं नेचुरोपैथी की बात करूं तो नेचुरोपैथी में क्या होता है कि हेयर को वॉश करने के बाद में कम से कम, जो पुराने जमाने में नहीं होता था कि बाल्टी में पानी भिगो करके बार बार बाहर निकाल कर वॉश करते थे, मतलब बार बार अंदर डालना और करना, तो उसमें उसका है 21 बार करने का होता है सिस्टम। और कुछ गर्म ठंडा सेंक होते हैं हल्के हल्के, जैसे आजकल लोग स्टीमिंग वगैरह करते हैं, नेचुरोपैथी वगैरह के ट्रीटमेंट है जिसको स्पा सेंटर वालों ने मेजोरिटी चीजों को अपना लिया है। तो मेन मैम मैं वही न्यूट्रिशन की, और इसमें अस्थि पाचक मेदो पाचक वगैरह बहुत बढ़िया काम करता है, चतुर्थक योग वगैरह है, और कई बार डैंड्रफ वगैरह की हिस्ट्री रहती है तो उसके हिसाब से भी अगर आप काम करेंगी तो डैंड्रफ वगैरह केस में मैम तक्र में आंवला मिलाकर लेप लगा दें तो उससे भी फायदा हो जाता है। डैंड्रफ के केस में ये मेथी का जो सीड होता है उसका लेप लगा दें तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती है। और ऑयल एप्लीकेशंस की बात है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपने बचपन से लगाया वो ऑयल सूट करता है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं खास करके यूपी वगैरह, तो मस्टर्ड ऑयल अगर अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो उनको वही सूट करता है। और उधर महाराष्ट्र वगैरह साइड में जिधर में मतलब जो नेचुरल ऑयल है आप वो लगाओ, बहुत ज्यादा ऑयल ऑयल चेंज नहीं करिए, मार्केट के ऑयल पर विश्वास नहीं करिए। और न्यूट्रिशन तो एटमोस्ट जरूरी चीज है, मतलब ग्रहणी दृष्टि मैम ऐसे करके देखो रिजल्ट आ जाता है। अदरवाइज सर का तो है ही प्रच्छान कर्म वगैरह वाला, ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्रच्छान कराइए, वरना ये जो है क्या बोलते हैं सर, एक बार मैडम एक बार बोलिए ना, मैं वो ये नहीं लगाया था कान में। मैम क्या पूछना चाहते हो बताओ। बालों का शायद कुछ बोल रहे थे ना, बाल। हाँ जी मैम, मैं बोल रही हूँ इसमें अगर आप जानते हो ग्रहणी दृष्टि के अलावा मेन इसमें आप काम कराइए वो चीज, सॉरी मेरी सब्जी की आवाज आ रही होगी, ग्रहणी मतलब दृष्टि ट्रीट करने के अलावा आप जीरे सॉरी प्याज का रस मैम ना अप्लाई कराइए। प्याज को बढ़िया से पीस लो मिक्सी में और उसको उसका रस निकाल लो तो उसको डेली अप्लाई कराइए तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेथी के मतलब सीड्स जो हैं उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और पित्त शामक चिकित्सा करो मैम और ग्रहणी दृष्टि को करेक्ट कर दीजिए, ठीक हो जाता है मैम। और नशे में नीली ब्रिंग ज्यादा तेल वगैरह या जो भी उसको सूट करे, आप एसटी मधु सिद्ध घृत का भी नशे दे सकते हो तो नशे दीजिए, नशे पर जरूर कंसंट्रेट करिए। शिरोधारा करा सकती हैं, शिरोधारा वगैरह रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये सब मेनली तो ये है कि पेशेंट की पॉकेट कितना अफोर्ड कर सकती है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। मेरा पेशेंट जो है वो सभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ तो मैम प्याज तो अफोर्ड कर सकते ना, और मान लीजिए लगाना है तो सिंपली जो एक बड़ी सी प्याज होती है ना आप उसको ही मिक्सी में पीस लोगे और स्ट्रेन कर लो, जैसे चाय छानते हैं ना आप वैसे सिंपली छान लो, ज्यादा मतलब प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, उसमें आप कर देंगे तो तुरंत पूरा रस नीचे आ जाएगा। और जैसे बाल लगाते हैं सर में वैसे लगा ले पेशेंट, और आधे घंटे बाद एक घंटे बाद उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर ले, अगर ज्यादा लगता है तो हो सकता है त्रिफला वगैरह से वॉश कर ले। तो मैं तो सारी जितनी चीजें तरीके बताई हूँ आपके, तो शामक में मैम कुछ भी खिला सकते हो ना आप, आंवला खिला सकते हो आप, त्रिफला खिला सकते हो, त्रिफला से वॉश करा सकते हो, गुलकंद पेशेंट को बोल सकते हो बनवा करके। और जो पेशेंट का प्रॉब्लम है मैम आप ये करा सकते हो, क्या बोलते हैं इसके बहुत बढ़िया जपा पुष्प जो है गुड़हल का पुष्प उसको बोल दो पेशेंट को खाने के लिए, नेचुरल पोटेशियम का सोर्स होता है और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जितनी सारी चीजें मैम बहुत सस्ती है, ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत महंगा है, नशे भी बहुत महंगा नहीं पड़ता है। अगर एसटी मधु से सिद्ध करना है या छिरभला ही है नहीं आपके पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो आप मैम सरसों के तेल में अजवाइन को पका करके भी नस्य दे सकते हो। आपका पेशेंट की पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए तो नस्य कराइए किसी भी जो उससे सूट करे। और देख लीजिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इफ लेडीज पेशेंट है। मेल पेशेंट के केस में मैं कहूंगी अगर मास्टरबेशन वगैरह ज्यादा हिस्ट्री रहती है तो उसमें क्षय बहुत होता है तो वहां पर उस वजह से भी हो सकता है मैम। स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज है, स्ट्रेस के केस में आपको पता है सिरो भयंग है, सिरो पिचू है, शिरोधारा है, बहुत सारी चीजें। तो शिरो पिचू तो बहुत सस्ता पड़ता है ना, सिंपल सा उसमें लेकर के ऑयल रख लिया ऊपर, या शिरो भयंग है वो सब महंगा नहीं पड़ता है। शिरोधारा ना कराए पेशेंट, सिरो पिचू तो करा ही सकता है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। हेलो, हाँ जी बताइए सर, बताइए बताइए। हाँ जी सर, सर मुझे ये पूछना था कि मुझे सर यहाँ पे महाराष्ट्र में या
साउथ में सर मुझे ये पूछना था कि अगर बच्चे को बीएमएस करवाई जाए इधर तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, ये मुझे थोड़ा सा पूछना था। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था एक्चुअली, ये है तो दिल्ली के पास का लड़का, पर वो मेरे से पूछ रहा है कि मैं एडमिशन कहाँ पे लूँ, उसे बीएमएस करना चाहता है सर वो, तो मैं तो उसे ये कह रहा था कि आप महाराष्ट्र पुणे में, पुणे में सर फीस वगैरह के आपको कुछ है सर पता क्या होगा, ऐसे तो मैं नेट पे भी देख सकता हूँ सर। नेट पे देख लीजिए, पुणे में सबसे अच्छा है ना आयुर्वेद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुजरात में करा लीजिए, नहीं तो यहाँ बैंगलोर या हसन का एसडीएम कॉलेज अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है सर जी, नहीं पुणे फिर उसको पुणे भेज दूंगा, कम से कम आपके पास तो आ जाया करेगा सर वो सीखने। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अगर पूरा प्रैक्टिकल सीखना है तो पुणे सबसे बेस्ट है, मतलब कॉलेज में पढ़ाई और प्रैक्टिकल तो पुणे सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 35,000 से ज्यादा प्रैक्टिशनर है आयुर्वेद के पुणे महाराष्ट्र में, और एकेडमिक सीखना है तो कहीं पर भी सीख सकते हैं। नहीं सर, मैं यही तो चाहता हूँ कि वो प्रैक्टिकल सीखे, और मैं उसको ऐसी जगह ही चाहता हूँ कि वो ऐसी जगह जाए जहां से वो पढ़े भी और उसको प्रैक्टिकल भी सीखे वो। हाँ। क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया में करते हैं तो वो ना तो वो वहां पे पढ़ाई अच्छी है और ना ही प्रैक्टिकल वो ज्यादा सिखा पाते हैं। हाँ। ये चक्कर है। अगर उसको सारा, मैं चाहता हूँ कि उसको पूरा माहौल आयुर्वेद वाला मिलेगा ना तो वो महाराष्ट्र में भेजिए, पुणे में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, पूरा माहौल मिलेगा। नहीं तो अभी बीएमएस में एडमिशन लेके एलोपैथी का प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो वो यूपी के कितने सारे कॉलेज हैं वहां पे करवा दीजिए। नहीं मैंने उसको समझाया कि अगर तुम्हें ऐसे करना तो फिर तो कहीं से भी कर लो, लेकिन अगर आपको आयुर्वेद करना तो फिर मैं तुम्हें पूछ के फिर बताऊंगा कि कहाँ ज्यादा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। जी नहीं, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा पुणे कैसा है कि एक बार जो पुणे आ जाता है ना उसको जाने का मन ही नहीं करता है, जो पुणे में आयुर्वेद देख लेता है ना तो वो इधर ही बच जाता है। एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बुरी बात ये है कि फिर अपना घर छोड़ देता है। लेकिन सर उसको अगर प्रैक्टिस आ जाएगी तो वो अपने एरिया में भी तो अच्छे से कर सकेगा ना सर, जब यहाँ से सीख के जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट होगा ना सर। हाँ जी सर, ये भी तो है ना सर, क्योंकि अगर वो अपने घर जाएगा यहाँ से अच्छे से सीख के जाएगा तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकता है। मैं बीएमएस करके प्राउड फील होना ये अलग बात होती है, और केवल डिग्री लेना अलग बात होती है। तो यहाँ अगर कोई बीएमएस करते हैं तो उसको प्राउड फील होता है। आप देखिए अनुरीता मैडम आती हैं तो कितना प्राउडली वो करती हैं, और वो जाती हैं एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास और वहां के चैलेंजिंग किसे सॉल्व करती हैं। तो मतलब हम ये नहीं सोचते हैं कि हम आयुर्वेद वाले कम है, हम सोचते हैं हम सुपीरियर है, एलोपैथी से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ। वो कॉन्फिडेंस ही तो आना चाहिए सर, वही तो मैं चाहता था उसे कि भाई तुम्हें ऐसी जगह मैं भेजना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि भाई ये हाँ। मैं सीख गया हूँ। जी सर, नहीं थैंक यू सर, थैंक यू, वही सबसे जरूरत है आयुर्वेद लोगों को, कॉन्फिडेंस सर, वो जहाँ मिलेगा वही सबसे अच्छा है। हाँ, तो वो पुणे में मिलता है। अगर आप साउथ इंडिया में केरल वगैरह में भेजेंगे तो वहाँ मलयालम चलता है, तो इंग्लिश में तो पढ़ाई हो सकती है लेकिन लोकल लोगों को नहीं आता है, उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। महाराष्ट्र में कैसा है कि हिंदी मराठी सब आ जाता है, मतलब यहाँ मुंबई है सब लोगों को हिंदी आता ही है, पुणे में तो सबको हिंदी आता ही है, लोकल मराठी है लेकिन हिंदी सब लोग बोल ही देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इतना लैंग्वेज का। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, हम कल मिलेंगे। आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, और सभी लोगों को थैंक यू प्रणाम कि इतना अच्छा आप लोगों ने आज संभाषा में योगदान दिया। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे, कल आप लोगों को नए टॉपिक लेकर आएगा। थैंक यू प्रणाम सर, प्रणाम।